हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल के लिए। जैसा कि पीईटी का कट ऑफ जारी हुआ है, तो कई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को खबर मिल रही है कि ये जो भर्ती है कोर्ट जा रही है, या फिर पीईटी को लेकर स्टूडेंट जो हैं कोर्ट जा चुके हैं, हाई कोर्ट जाने वाले हैं। तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि कल के डेट में जो कट ऑफ इन्होंने जारी किया है मेंस एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के लिए, तो दोस्तों ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, एससी के हों, ओबीसी के हों, ये एक निर्धारित कट ऑफ इन्होंने दिया है। और इसमें रिजर्वेशन वाला सिस्टम कोई भी नहीं लगाया है, और इससे नीचे कट ऑफ नहीं बन सकता, क्योंकि इतना बनाने के बाद भी 2.5 लाख स्टूडेंट ये लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, पहले तो इन्होंने 1,20,000 के आसपास में ऐसी बातें थी कि 1,20,000 के आसपास में लेखपाल के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसका कट ऑफ और हाई चला जाता, लेकिन जब 2.5 लाख इन्होंने बुलाया है तो कट ऑफ लगभग इतना तक इन्होंने तय कर दिया है, 62.96। और यहाँ पे महिला का जो है 64.74 तक चला गया है। तो वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान है जो हाईकोर्ट जाने वाले हैं और बोल रहे हैं कि भर्ती फंसेगी। तो जो स्टूडेंट 19 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं लेखपाल के लिए, देखिए अब ऐसे ही पीटी का जब आवेदन हुआ था तो इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर धरना प्रदर्शन भी किए थे कि डेट बढ़ाया जाए, और अभी फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, तमाम तरह की आप लोग बातें सुने होंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, आयोग ने अपना ही काम किया। तो आप लोग इस सब बातों पर ध्यान ना दें और तैयारी करते रहें, क्योंकि समय बहुत कम है और ये लोग बहुत जल्दी इस भर्ती को फाइनल करवा लेंगे, क्योंकि 5 साल से लगातार इस भर्ती पे फोकस बना हुआ है और इस बार ये लोग पेट के माध्यम से इसको कंप्लीट करवा लेंगे। तो आप लोग अफवाहों पे ध्यान न दें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और जैसा कि मेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो कट ऑफ होगा उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपको पता है कि 2.5 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देंगे, तो जाहिर सी बात है 8,000 कुछ पोस्ट हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और माइनस मार्किंग है, इस बात का भी आप लोग ध्यान देंगे और तैयारी करते रहें। अच्छे स्कोर होंगे तो आप सेफ जोन में होंगे, कट ऑफ जो भी बनेगा उसमें सेफ होंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित है। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी हुई है, और नोटिस में जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट जो हैं अलीगढ़ में, इन लोग का फिजिकल था, लेकिन बारिश की वजह से मॉर्निंग शिफ्ट में इन लोग का जो है दौड़ नहीं हो पाया। हालांकि वहां पे जो भी स्टूडेंट गए थे उन लोग को सूचित कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड ने अलग से नोटिस जारी कर दिया गया है, और इन स्टूडेंट का जो है दौड़ वो आपको 9 मई को सुबह 5 से 7 बजे के बीच, यानी प्रथम शिफ्ट में कराने के लिए बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। तो वे स्टूडेंट बिल्कुल प्रिपेयर रहें, और 9 तारीख को इन लोग का दौड़ है। वैसे स्टूडेंट को पता चल गया होगा, लेकिन बोर्ड ने अलग से ये नोटिस जारी किया है और ये बात स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, टेक केयर, बाय बाय।